परी की जादुई जूती। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उसी में एक टीना नाम की परी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। टीना हमेशा अपने पैरों में गुलाबी रंग की जूती पहना करती थी। उसे वो जूती बहुत ही प्यारी थी और वो उन्हें अपने आप से कभी भी अलग नहीं करती थी। वो जहाँ भी जाया करती थी उन्हीं जूतियों को पहनकर जाया करती थी। एक दिन की बात है, टीना अपनी दोस्त रीमा परी के साथ बैठी हुई होती है। तभी रीमा परी टीना परी से कहती है, तुम हमेशा अपने पैरों में ये जूतियाँ क्यों पहने रहती हो? तुम कभी दूसरी जूती क्यों नहीं पहनती हो? आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये जूती अच्छी लगती है इसलिए हमेशा मैं इन जूतियों को ही पहने रखती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, पर कभी तो इन्हें उतार दिया करो। जूती पहन पहन कर तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता क्या? नहीं, इन्हें पहन कर मेरे पैरों में दर्द नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही आरामदायक जूती है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बुरी परी होती है जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति परी बहुत ही शक्तिशाली थी, साथ ही वो हमेशा दूसरी परियों की कीमती चीजों को छीन लिया करती थी। उसे ऐसा करने में मजा आया करता था और वो हमेशा अच्छी परियों को सताया करती थी। अब उसकी नज़र टीना की जूतियों पर थी क्योंकि ज्योति परी को टीना परी की जूतियों की सच्चाई पता थी। एक दिन की बात है, टीना परी अपने घर में आराम से सो रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में कोई चुपचाप आया हो और वो एकदम उठ जाती है और अपने पैरों की तरफ देखती है, पर उसके पैरों में जूतियाँ होती हैं और वो अपने आप से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी कोई मेरे घर आया हो। मुझे सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बुरी परी मेरी जूतियों को चुराना चाहती है क्योंकि उसे मेरी जूतियों की सच्चाई पता है। और ये कहकर वो अपने बिस्तर से उठ जाती है और अपने घर में चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। और फिर वो अपने आप से कहती है, लगता है शायद मेरा भ्रम था, घर में तो कोई भी नहीं है, चलो मुझे परीलोक में घूम के आना चाहिए। और ये कहकर वो परीलोक घूमने के लिए निकल जाती है। परीलोक घूमते समय उसे पिंकी परी मिलती है। पिंकी परी को देखकर टीना परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पिंकी परी के पास जाती है। पिंकी परी के पास पहुंचकर वो देखती है कि पिंकी परी उदास होती है और टीना परी पिंकी परी से कहती है, अरे पिंकी परी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर तुम उदास क्यों लग रही हो? मैंने सोचा कि तुम खुश होगी, आखिर क्या हो गया है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ज्योति परी ने मेरी अंगूठी छीन ली और इसी वजह से मैं उदास हूँ। तुम्हें तो पता है वो एक बहुत बुरी परी है। हाँ, मुझे ज्योति परी के बारे में सब कुछ पता है, पर उसने तुम्हारी अंगूठी को कैसे छीन लिया? तुमने अपनी अंगूठी का ध्यान नहीं रखा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आराम से सो रही थी, तभी वो भेष बदल कर आई और चुपचाप मेरे हाथों से मेरी अंगूठी निकाल कर ले गई। अच्छा, ऐसी बात है, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बता दिया। अब मुझे भी अपनी जूतियों का ध्यान रखना होगा। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या है तुम्हारी जूतियों में जो तुम अपनी जूतियों का ध्यान रखोगी? मेरी ये जूतियाँ जादुई हैं, इनमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कहीं भी आराम से आ जा सकती हूँ। यदि ये जूतियाँ किसी को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इन पर भी ज्योति परी की नज़र है। अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम्हें भी अपनी जूतियाँ संभाल कर रखनी होंगी। और इसके बाद टीना परी वहाँ से चली आती है और पिंकी परी भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और समय के साथ टीना परी खुश होकर परीलोक में रह रही होती है, पर उसे अपनी जूतियों का भी डर रहता था क्योंकि उसे ज्योति परी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कभी भी रूप बदल कर उसकी जूतियों को चुरा सकती थी, इसलिए वो हमेशा अपने पैरों में जूतियों को पहने रहती थी। एक बार की बात है, टीना परी बगीचे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर रीमा परी का रूप लेकर ज्योति परी आ जाती है और टीना परी से कहती है, अरे यहाँ पर क्या कर रही हो?
और क्या तुम हमेशा इन जूतियों को पहने रहती हो? चलो ये जूतियाँ तुम मुझे दे दो। नहीं, मैं अपनी जूतियाँ तुम्हें नहीं दूंगी। वैसे तुम्हें क्या काम है मेरी जूतियों से? मुझे भी तुम्हारी जूतियाँ पहनकर देखनी है, क्योंकि तुम हमेशा इन्हें पहनी रहती हो, इसलिए आज मेरा भी मन कर रहा है। नहीं, मैं तुम्हें इन्हें नहीं दे सकती हूँ। मैंने तुम्हें उसी दिन मना किया था और इसकी वजह भी बताई थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर रीमा परी आ जाती है। रीमा परी को आता देखकर टीना परी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि रीमा परी तो उसके सामने ही होती है और वो समझ जाती है कि ये रीमा परी नहीं बल्कि ज्योति परी है। और वो ज्योति परी को धक्का मार देती है और अपनी शक्तियों से उसे अपने असली रूप में ले आती है। ज्योति अपने असली रूप में आकर हैरान हो जाती है और टीना परी से कहती है, तुमने कैसे जान लिया कि मैं रीमा परी नहीं बल्कि ज्योति परी हूँ? क्योंकि रीमा परी सामने से आ रही है। रीमा परी को देखकर ज्योति परी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और जब रीमा परी ज्योति परी को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और टीना परी से कहती है, टीना परी, ये ज्योति परी यहाँ पर क्या कर रही है? हमें इसे यहाँ से भगाना चाहिए, वरना ये हमारी कीमती चीजें ले लेंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये यहाँ पर इसीलिए आई थी। ये मेरी जूतियाँ चुराने आई थी। पता है तुम्हें, इसने तुम्हारा रूप ले लिया था। क्या, इसने मेरा रूप ले लिया था? क्यों ज्योति परी, तुम्हें मैं ही मिली थी, और ये तुम्हारी जूतियाँ क्यों चुराना चाहती है? इस पर ज्योति परी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि टीना परी की जूतियाँ जादुई हैं, इसलिए मैं टीना परी की जूतियों को चुराना चाहती थी, पर इसने तो मेरी सारी मेहनत ही खराब कर दी। और फिर ज्योति परी वहाँ से भाग जाती है। ज्योति परी के जाने के बाद टीना परी और रीमा परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और टीना परी रीमा परी से कहती है, वही मैं सोचूं कि तुम मेरी जूतियाँ क्यों मांग रही हो? उस दिन तो मैंने तुम्हें बताया ही था। आखिर इन जूतियों में ऐसा क्या है? ये बात तुमने मुझे उस दिन नहीं बताई थी। इसके बाद टीना परी अपनी जादुई जूतियों की सारी सच्चाई रीमा परी को बता देती है, और रीमा परी जूतियों की सच्चाई जानकर टीना परी से कहती है, तो तुम्हें अपनी जूतियाँ संभाल कर रखनी चाहिए। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इसके बाद रीमा परी वहाँ से चली जाती है और टीना परी भी खुश होकर अपने घर आ जाती है। और अब टीना परी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी जादुई जूतियाँ सही सलामत हैं।